हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, अभी ऐसे तो सभी लोगों को मालूम चल गया है कि भाई सीईटी 2022 का टेंटेटिव टाइम टेबल आ चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी एक बार अगर बता दूं बच्चों को तो आपको लगना चाहिए कि भाई सर भी हमारे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। तो देखिए, अभी एमएसटी सीईटी 2022 इसका जो टेंटेटिव टाइम टेबल ऐसा है, देखो पीसीएम का जो डेट आई है वो है 11th जून से लेकर, आपको याद रखना है, टू ये रहेगा आपका 16 जून तक रहेगा, ठीक है ना। 16 जून तक ये आपका पीसीएम ग्रुप का, ये इसके बीच इस स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है पीसीएम। ये हो गया पहला। फिर अब पीसीबी जो है, अभी बचा हुआ पीसीबी, इसका जो रहेगा वो रहेगा 17 जून से लेकर, जून पूरा लिख देता हूँ नहीं तो आपको जनवरी में लगने लगे कहीं, ठीक है ना। टू यहाँ से लेकर 23 जून तक है। अब ये जो टाइम टेबल है ये इस स्लॉट में आपका पीसीबी होगा, और ये जो टाइम, ये जो है ना आपका टेंटेटिव टाइम टेबल है, मतलब कि अभी कोविड की सिचुएशन को देखते हुए वो पहले या बाद में ले भी सकता है, ठीक है। तो ये अभी याद रख लीजिए कि पीसीएम का जो है वो 11 जून से लेकर 16 जून के बीच इस स्लॉट के बीच में आपको होने वाला है। देखो तो पीसीएम वाले पहले, बाद में पीसीबी, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, तो उनको और टाइम मिल गया पढ़ने का। 17 जून से लेकर 23 जून इसकी इस स्लॉट में उनका पीसीबी होगा, ठीक है। अब कर लीजिए इसको, डेट्स आ चुकी है, अभी हमको एक टारगेट मिल गया है भाई, टारगेट। अभी आपके देखा जाए तो आपके पास अभी कितना टाइम बचा है इसके अंदर, अभी देखो 11 जून से अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10 दिन, ये जून के 10 दिन मिल गए आपको। और आज हम देखेंगे तो आज है 27, है ना, 27 मार्च, ओके। तो अब यहाँ के 28, 29, 30, 31, चार दिन ये, तो अप्रॉक्स वो पाँच मान लेते हैं अप्रॉक्स, और उधर का वो 10-15 दिन और दो, मतलब आपके पास अप्रॉक्स टू एंड हाफ मंथ है आपके पास, टू एंड हाफ मंथ है आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है, आराम से क्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब टू एंड हाफ मंथ में आराम से पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा, ओके। चलिए, अभी टाइम टेबल आ गया है तो पढ़ने के लिए लग जाइए, और हमारे सुंदर से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, सब ज्वाइन करने लगाइए। मैं इसमें पूरा क्रैश कोर्स तक, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने तक सब बताने वाला आपको मैं, ठीक है। मेरा जो सिलेबस है वो जो बेक एंड तक कंप्लीट करने वाला हूँ पूरा, ठीक है, 11th+12th विथ MCQs प्रैक्टिस, और बाद में फिर हम देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर दूंगा जून में आपको, ये तो कैसे पढ़ना है क्या है, फिर वो जून में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दे दूंगा सीटी, बस उसी में से ही थे, 1 तारीख से शुरू कर दूंगा इंपॉर्टेंट देना, ठीक है ना। और इसके अंदर वीडियोज में भी रिड्यूस पोर्शन करके ही पढ़ा रहा हूँ मैं, टेंशन बिल्कुल लीजिए, ठीक है ना। अब अपना एक चैप्टर करीब करीब खत्म होते आ रहा है मेरा, ओके बेटा। चलिए, लग जाइए पढ़ने के लिए, और बाहर कमरे के लिए पढ़ते रहिए, और एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कीजिए, ओके बाय।